नवरात्रि के पर्व पर कस्बे भोगांव में माँ दुर्गा की शोभा यात्रा बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। दर्जनों की संख्या में शोभा यात्रा में झांकियां शामिल थी। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा स्वयं एसपी ने लिया था। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें राम बारात की तस्वीरें नहीं है, बल्कि नवरात्रि के पर्व पर कस्बा भोगांव में निकाली गई मां दुर्गा शोभा यात्रा की तस्वीरें हैं। यहां पुरानी गल्ला मंडी से शुरू हुई शोभा यात्रा नगर का भ्रमण करने के बाद एक निश्चित स्थान पर जाकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में माता रानी के 9 स्वरूपों की झांकियां मौजूद थी। इतना ही नहीं, शोभा यात्रा में अन्य आकर्षक और मनमोहक झांकियां भी शामिल थी। धीरे धीरे शोभा यात्रा अपना आगाज कर रही थी और लोगों को आकर्षित करने का काम कर रही थी। शोभा यात्रा में माता रानी के भजन चल रहे थे, जो कि लोगों को थिरकने पर मजबूर कर रहे थे। शोभा यात्रा का शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे वर्तमान में विधानसभा से विधायक पंडित राम नरेश अग्निहोत्री ने माता रानी की आरती उतार कर शुभारंभ किया। इस मौके पर उपमाधीक्षित मनोज दीक्षित की मौजूदगी रही, वहीं शोभा यात्रा समिति के पदाधिकारी भी मौजूद थे। शोभा यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस का इंतजाम किया गया था। पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित शोभा यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाले हुए थे। आप भी इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे घंटों तक कस्बे भर का भ्रमण करने के बाद शोभा यात्रा अपने एक निश्चित स्थान पर जाकर समाप्त हुई।